सडनली आर मिसिंग सब हैं पर प्रियंका फादर टुटू शर्मा किधर है यार? टुटू शर्मा ने दिखाई दे रहा है, टुटू शर्मा किधर है भैया? पीछे सर सामने आइए, सबसे आगे प्लीज 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 प्लीज। पहले भी काम किया है इनके साथ और मुझे पता है बहुत अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर है और मुझे ये बोल के बुलाया कि मैं कॉमेडी बना रहा हूँ तो तुम आओ मिलो। लेकिन जब मिला तो मिलने के बाद जब मीटिंग से बाहर निकला तो मैं डिप्रेस हो गया। डिप्रेस इसलिए हो गया क्योंकि मुझे मीटिंग में ये बताया गया कि मैं बना रहा हूँ कॉमेडी लेकिन तुम्हारे पास एक भी कॉमेडी सीन नहीं है। तो मैंने सुना और मुझे लगा कि ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंज होगा क्योंकि मैं इसमें लिटरली मतलब कि बिल्कुल ह्यूमर नहीं है। और जैसे सतीश जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लगा कि अपने ही बच्चे काम कर रहे हैं, बिकॉज आई वर्क विद रवि, आई वर्क विद पद्मिनी मेनी इयर्स, यू नो बहुत साल से हमारे दोस्त हैं अच्छी, और टूटू जी ग्रेट फ्रेंड, आई वर्क विद हिम इन हिज फिल्म्स आल्सो। तो और एक बार मैं याद है कि एक बड़ा ही हैवी इमोशनल सीन मेरा इसके साथ था तो ये जेन्युइनली रो रही थी उस सीन में और मुझे भी वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, सीन ही ऐसा था। तो मैंने कहा चल मैं तेरे बाप की जगह हूँ, अपने बाप को फोन लगा। तो वहीं से रवि को फोन किया इसने और मैंने कहा देख मुझे मैं आई एम फीलिंग सो इमोशनल दैट आई एम फीलिंग कि मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं तुम्हारा ही एक तरह से सीन कर रहा हूँ, यू नो एज यू वुड बिहेव मे बी विद योर ओन डॉटर। तो बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, तो एक चैलेंज भी था लेकिन बहुत मजा आया। इट वॉज अ लवली फिल्म एंड अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड अ वेरी गुड टीम एंड शी इज अ प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर। बट नो प्रेशर, आई मीन उम्मीदें तो रहेंगी पर आई kept getting little bit tips from here and there. The only thing everyone said collectively was that be natural, be spontaneous and don't start doing maths, you know. Don't start doing, acha, you have to do this, you have to be like this and all. Just go with the flow and enjoy it. And you have to have fun. If you don't enjoy it, it's not happening. So only if you enjoy it, go ahead, otherwise don't go ahead. सारे सवाल इसी के हैं आज जी, ये लास्ट किसका सवाल है? जी मेरा सवाल। नहीं नहीं किसके लिए? अच्छा उनका है जी। सो आपका कैसा रहा मॉल? बिकॉज़ यू नो योर फादर इज सच अ बिग स्टार, सो हाउ वाज दैट समवेयर अराउंड? इट जस्ट लाइक यू सेड कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग करना पसंद था, बट स्टिल हाउ वाज इट? हाउ मच योर डैड हैज हेल्प यू इन योर आर्ट? ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी एंड ऑलवेज गाइडेड मी इन द बेस्ट वे पॉसिबल and there was no pressure at all from family or my father any which ways. It was always whatever you feel like doing, you have the freedom to do, and that's what has actually pushed me to get here and do what I'm doing right now. So yes, he's been really helpful, my mother has been really helpful, and they have got me up to here in the best way possible. Thank you. That is exactly why I was drawn to this subject. It was such a sweet subject, such a sweet film, and something that, as you rightly said, even the comedies that we have today, a lot of them are... A lot of them are double meaning, a lot of them are, you know, stuff you can't see with your parents or your kids or whatever. But this is a film, this is a script that is so sweet. You can watch it with your grandmother, your grandfather, you can watch it with anybody. It's a remarkably fresh and sweet film. I can only say sweet. It's very sweet. I hope that comes across in the promo also. It does. So Priyank, mera sawal aapse hai, kyunki ye saaf sutri film hai aur main bahut zyada comfortable hu saaf sutri film mein, isliye maine ye film choose kiya. Ji jo achhi kahani hoti hai उसकी बहुत बड़ी जर्नी होती है। करण की भी इस कहानी के साथ बहुत लंबी जर्नी है। मेरे ख्याल से 3-4 इयर्स ही इज बीन ईटिंग स्लीपिंग ब्रीथिंग दिस स्क्रिप्ट। मगर जैसे कहते हैं ना कि राइट कास्टिंग, राइट प्रोड्यूसर, राइट सब कुछ मिलना, वो अक्षय ने ये कहानी सुनी थी, उसको समझ में आई थी, बट राइट माहौल नहीं था। मगर राइट माहौल हुआ और मेरे ख्याल से 4 साल से अब ये कहानी बने उससे ज्यादा। तो हर पिक्चर का एक डेस्टिनी है, एक जर्नी है। सो दिस इज वेरी वेरी, इसकी डेस्टिनी अभी लिखी हुई थी। पर आप जानते हैं अगर आपकी बेटी की शादी एक नेता के साथ हो जाए तो बहुत खुश रहेगी। क्या बात भाई, क्या फोड़ दली। अब तुम्हारी क्या बात है, जरा तुम भी बता दो। रवि सर, हम हैं मीडिया के दामाद। और आपको पता है कि मीडिया बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है ना? तो इसलिए
लड़की हमारे साथ जानी चाहिए। फिर तो पूरा एकदम डकैती चल रहा है। अच्छा तुम लोग इतना आपस में भिड़ रहे हो। एक सेकंड, ये बहुत अच्छी सी बात है कि ये तीन मर्द जो हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि दुल्हन जो है वो किसके साथ जाएगी। ठीक है, 21वीं सदी है, शायद भूल गए। हाँ, है ना। तो एक सेकंड, इसके साथ ये बहुत ही अलग ही आइटम है। ये बोलता था, इसने बोला था अपने पापा माँ से कुछ सीखना नहीं है, तुम लोग वो कुछ पढ़ना ही नहीं। तो मैं पूरा, अगर इसमें प्रियांकी करण की सबकी तारीफ, इसका पूरा श्रेय करण को जाता है। मैंने एक इंच भी नहीं सिखाया। I have not trained her, neither she asked me anything, ना मॉड्यूलेशन ना वॉइस ना कुछ कुछ नहीं पूछा इसने। ये पूरा श्रेय करण को जाता है। इट्स ऑल रिवा, इट्स यू प्रियांक एंड ये मेन, ये चश्मे वाला। So it wasn't planned. I mean, it's not like I had an aha moment that I'm going to go and choose a film right now and go ahead. But for me, bachpan se I was inclined towards dramatics and acting. So it was a kind of an organic, natural process. And then I started hearing scripts and then this was the one and I went ahead. I went with my heart and went with my gut. Bachpan se hi shararti tha. It has been the same for me. Bachpan se hi drama baz, nautanki aur dancer bahut. घर पे बड़ा मतलब ड्रामे बाज कौन था? खुद्दी लगी रहती। थोड़ा और रुक जाते, माइक पास में रखोगी तो पब्लिक आपको सुनेगी। आप अब क्या कह रही हूँ, चिल, ओम शांति। खेला क्या है? ये दोनों में लड़ाई चल रही है, आप बताओ खेल क्या है? शादी किससे करोगी? समय रुक चुके हो, थोड़े और रुक जाओ। सर आई फील मैं वो प्रेशर में काम नहीं कर पाऊंगा। आई कांट टेक दैट प्रेशर एट ऑल। आई एम हियर टू डू गुड वर्क। मेहनत से काम करना चाहता हूँ सर, शिद्दत से काम करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ बस। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रेशर एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक आई विल डू गुड वर्क। एंड आई थिंक इफ आई कैन बिकम इवन हाफ द एक्टर माय मॉम इज, आई एम। सर आई फील मैं वो प्रेशर में काम नहीं कर पाऊंगा। आई कांट टेक दैट प्रेशर एट ऑल। आई एम हियर टू डू गुड वर्क। मेहनत से काम करना चाहता हूँ सर, शिद्दत से काम करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ बस। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रेशर एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक आई विल डू गुड वर्क। एंड आई थिंक इफ आई कैन बिकम इवन हाफ द एक्टर माय मॉम इज, आई एम। सो रियली भूल गए थे क्या कॉमेडी करना? अभी देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। Alright, and now, तो बस वहां से शुरुआत ली। Amazing, amazing। और पापा अभी भी वीडियो ले रहे हैं। पापा कुछ तो एक्सप्रेशन दीजिए। जो उसके दिल में जो एक्साइटमेंट होगा, जो उसके उनके लिए प्यार होगा, वो एक्चुअली पीछे से ज्यादा देख करके उनको व्हाइट स्क्रीन पे दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। सिंस द माइक इज विद अक्षय सर, आवाज